हाय डियर फ्रेंड, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बना लेंगे कि ताकि हमारे लिए एकदम आसान रहे, आसानी से मैं इसको कैलकुलेट भी कर सकूँ। ठीक है, आसानी से तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब ये क्वेश्चन को हम आसानी से समझेंगे। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हम क्या कर देंगे, मिस्टेक कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स किसको बोला जाता है, जिसके दो साइड क्या हों, इक्वल हों, इसको आइसोसेल्स ट्राइंगल बोला जाता है। ठीक है, और प्लेट है जो बेस है उसका 2 मीटर है और हाइट 2 मीटर है, बेस भी 2 मीटर है और हाइट भी क्या है 2 मीटर है। इज इमर्ज वर्टिकली इन ऑयल। ठीक है, ऑयल में ये इमर्ज किया गया है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दिया है, 0.9 दिया है। द बेस प्लेट ऑफ ए ट्राइंगल इज टच द सरफेस, मतलब जो बेस प्लेट है ट्राइंगल का वो कहाँ किया है, सरफेस पे टच किया है। मतलब ये सपोज डैट कि आपका ये ऑयल है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका ऑयल है। ठीक है, यहाँ पे ऑयल, ये सब ऑयल है। ठीक है, और इसके ऊपर ये मेरा ट्राइंगल रखा हुआ है, ये ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल ये रखा हुआ है, ये ऑयल था। ठीक है, ये पूरा ऑयल है। ठीक है, ये जितना भी नीचे की तरफ पोर्शन देख रहे हो सब ऑयल है, ये ऑयल है। ठीक है, और ये मेरा ये ट्राइंगल रखा हुआ है। ठीक है, जिसका अगर देखोगे कि बेस जो दिया है वो 2 मीटर दिया है और इसकी जो हाइट दी है वो भी क्या है 2 मीटर है, ये बन गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपका जो ट्राइंगल को थोड़ा सा मैं ये कलर कर दिया ताकि आसान रहे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बन गया। अब इसका आपको ऑलरेडी मैंने बताया, ये हाइट भी मिल गया, मीटर भी मिल गया और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। इसकी गिवन डाटा में लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दिया है वो कितना दिया है, 0.9। ठीक है, हमें क्या क्या ज़रूरत होता है टोटल प्रेशर में, मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये फोर्स जो होता है टोटल प्रेशर वो क्या होता है, रो इंटू ए इंटू एच बार होता है, रो जी एच होता है, सॉरी रो मतलब उसकी डेंसिटी, जो भी जिसमें ये इमर्ज किया गया है उसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, वाटर की डेंसिटी नहीं। उसमें पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया होगा, जो आपके अपने वीडियो मेरा देखा होगा, उसमें वाटर था तो वाटर की डेंसिटी लिया था, यहाँ पे ऑयल की डेंसिटी लेंगे, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार, ये इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर का, जिसको फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो अभी इसकी डेंसिटी देखो तो दिया नहीं है, वाटर की डेंसिटी तो हमें पता होती है लेकिन इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका ऑयल का कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये 0.9 दिया है और ये हमें फाइंड आउट करना है और ये होता है 1000, तो यहाँ पर रो कितना मिल जाएगा, ये ऑयल का जो डेंसिटी है वो कितना मिल जाएगा, ये 1000 का इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 900 आ गया, 900 केजी पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू मिल गई जी की वैल्यू, तो 9.81 होती है, ये तो पता ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिगर में आपको बता दूँ कि जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पर इसकी जी होती है और यहाँ पे उसका मान लो प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो जी से जो हाइट होती है ये हाइट वो एच बार कहलाएगी और ये कितनी होती है, टोटल हाइट का डिवाइड बाई 3 होता है, तो यहाँ पे एच बार कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, एच बाई 3, क्योंकि ये तो सरफेस से ही है, सरफेस पे टच है तो ये एच बाई 3 होगा। ठीक है, और नहीं तो अगर नीचे और होता तो हम वहाँ सरफेस से लेके और ये पूरा कैलकुलेट करते, तो पूरा कितना है देखो 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.666 आ जाता है, तो 0.67 ले सकते हो, मीटर में आ गया इतना। और जो मेरा ये जो प्रेशर है ना, ये एच बार तो आपको पता चल गया, जो प्रेशर है वहाँ से जो ये डिस्टेंस होता है ना इसी को एच स्टार बोला जाता है, यही डेप्थ ऑफ सेंटर प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो ये सारा कुछ तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसमें अभी वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो रो की वैल्यू कितनी आई, 900, जी की वैल्यू कितनी है, 9.81, एरिया इसका क्या है, देखो एरिया अगर निकालना तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2 है और हाइट भी 2 है, ये मिल गया, और इंटू एच बार कितना आया, एच बार तुम्हारा आया 0.67 तक आया। इन सब का कैलकुलेट कर लो, इन सब का कैलकुलेट करोगे तो कितना वैल्यू आ रही है, देखो
मैं क्या कर दिया, 900 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया इनटू 9.81 का मल्टीप्लिकेशन किया इनटू 2 इनटू 2 कर दिया डिवाइड बाय ये पॉइंट इनटू 0.67 कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है। देखो एक बार और कर लेता हूँ, मिस्टेक हो गया। 900 इनटू 9.81 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 0.67 ये आ गया, इक्वल किया डिवाइड बाय 2 किया तो आपकी वैल्यू आ गई है, इतना आया 11830.86, ये न्यूटन में आएगा, किलो न्यूटन में कर लो, तीन प्लेस इधर कर लो, 11.83 किलो न्यूटन हो गया, ये फोर्स आ गया आपका, सेंटर प्रेशर आ गया। ठीक है, टोटल प्रेशर जो बोल सकते हैं इसको आप टोटल प्रेशर बोलो या फोर्स बोलो, बात एक ही है, क्योंकि इसमें एरिया का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो फोर्स आ जाता है। अब मुझे चाहिए एच स्टार, और एच स्टार का फॉर्मूला मैंने बताया था कि आई जी अपन क्या करना, आई जी अपन बी डी क्यू अपन ट्वेल्व सॉरी आई जी अपन फॉर्मूला जो होता है वो अप्लाई कर देंगे एरिया इंटू एच बार प्लस एच बार होता है ये, तो इसका क्या होगा, बी एच क्यू अपन 36, ये तो वैल्यू बी एच क्यू अपन 36 ही होगा, ये बी एच क्यू अपन 36 और डिवाइड में ये एरिया और एच बार है और प्लस ये एच बार हो गया, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, एच भी 2 है, तो 2 का क्यू अपन 36 इंटू एरिया कितना आया था, 2 जब 4 डिवाइड बाई 2 होता है तो 2 आएगा, एरिया तो 2 ही आ जाएगा, वैसे ही हमें पता चल जाता है। ठीक है, और एच बार कितना आया था, एच बार 0.67 आया था, ये भी 0.67 आ गया। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, देखो 2 का क्यू 8 होता था, 8 2 16 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 36 इंटू 2 इंटू 0.67 ब्रैकेट क्लोज वैल्यू आ गई, उस वैल्यू में हमें ऐड कर लेना 0.67, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है ये 0.33167 ऐसे करके आ रही है, 0.67 ऐड कर लो, तो मैं ऐड कर लिया 0.67 तो वैल्यू आ गई मेरी 1.0016 ये मीटर आ गई एच स्टार की वैल्यू, तो ये सेंटर ऑफ डेप्थ प्रेशर मिल गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ा आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये आसान तरीका मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, इस तरीके से आप कैलकुलेट करके आसानी से, ये सिंपल सा है कि आपको सबसे पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने आ गया तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये टेक्निक यूज करो, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।